दोस्तों, आप जब भी अपने फ़ोन से गूगल डायलर से कॉल को लगाते हो और आप चाहते हो उस कॉल को रिकॉर्ड करना, तब जो है गाइज वहाँ पर एक साउंड बजता है जो कि आप गाइज आप कॉल रिकॉर्ड करते हो तो वहाँ पर बोलता है गाइज आपने कॉल रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि सामने वाले बंदे को पता लग जाता है गाइज आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप जो कितनी आसानी से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो और सामने वाले बंदे को पता ही नहीं लगेगा आपने कॉल रिकॉर्ड ऑन कर रखा है। ठीक है, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा कॉल रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो चैनल अपने वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। तो गाइज़ करते हैं आज का वीडियो फटाफट स्टार्ट। तो गाइज़ आप सभी को क्या करना है, सिंपल से आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड जो है सर्च बार पर क्लिक कर देना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है राइट डायलर। ठीक है, राइट डायलर यहाँ पर आपको लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट डायलर। ठीक है, इतना लिखने के बाद गाइज मुझे सर्च कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेलिंग को जो इस तरह से है, और फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है राइट डायलर। तो आप सभी को यहाँ पर क्लिक कर देना है फर्स्ट वाले ऐप पर। ठीक है, यहाँ से इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे फ़ोन में ये जो ऐप्स है वो इंस्टॉल होने लग जाएगा राइट डायलर। तो अभी मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ जब तक ये मेरे फ़ोन में ऐप इंस्टॉल होता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में राइट डायलर इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली मुझे जो है इसको ओपन कर लेना है। तो गाइस मैं यहाँ जो ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस इस तरह से मेरा डायलर ओपन होकर आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है मुझे अपने डायलर को सिलेक्ट करना है जो भी मैंने डाउनलोड किया है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरा डायलर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस वाले डायलर पर क्लिक कर दूँगा। गाइस मैंने जो डायलर डाउनलोड किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड सेट एस डिफ़ॉल्ट पे मुझे यहाँ पर क्लिक कर देना। तो गाइस मेरा ये फ़ोन में डायलर सेट हो जाएगा, यहाँ से इस पर मैं कॉल लगा सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डायलर का इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है। जब हम उसको सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारा डायलर आ जाता है। और गाइस मैं अभी आपको इस डायलर से कॉल को लगा कर दिखाने वाला हूँ, कॉल को रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूँ। कोई भी साउंड नहीं बोलेगा, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करेगा कॉल रिकॉर्डर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अभी आपको कॉल लगा दिखाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने जियो का नंबर है 199, तो मैं इस नंबर पर अभी कॉल लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस नंबर पर कॉल लगाऊंगा। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 199 पे गाइज़ कॉल लगा दी है। गाइज़ कॉल लगाने के बाद गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसका स्पीकर ऑन कर देता हूँ। स्पीकर ऑन करने के बाद गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर साइड रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन है कॉल रिकॉर्डिंग का, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कोई भी साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो गाइज़ मैं कॉल रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। गाइज़ देख सकते हैं मैंने कॉल रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। कोई भी गाइज़ यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी साउंड नहीं बज रहा है कि भाई आपने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज़ मैंने आपके सामने कॉल को रिकॉर्ड करा, कोई भी कॉल का साउंड नहीं बजा। ठीक है, हमने इससे सामने वाले बंदे को पता नहीं लगेगा आपने कॉल रिकॉर्ड किया है। तो इसी तरह आप अपने फ़ोन में जो है कॉल रिकॉर्ड वो कर सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।